अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलम, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों आज मैं फिर मौजूद हूं शाइन फार्म बारको इस्लामाबाद में और आज आपके लिए लेकर आया हूं इस सोसाइटी का सबसे छोटा प्लॉट। और यहां पे बताता चलूं नए नाज़रीन देखने वालों को कि ये मशहूर सोसाइटी है शाइन फार्म के नाम से। इसकी ये मेन एंट्रेंस है जो सिमली डैम रोड के ऊपर है। सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहता है, सीसीटीवी कैमरे नस्ब है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ग्रीनरी बहुत ज्यादा है और इसकी गली आप देख सकते हैं, बड़े साइज की गली है, पक्की हो चुकी है, गेटेड कम्युनिटी है, चार दीवारी के अंदर महफूज। और इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर खाने पीने की दुकानें भी है, स्कूल बैंक कॉलेज वगैरह भी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 24 घंटे मौजूद रहती है। लेफ्ट साइड पे ये रोड बारको बाजार की तरफ जा रही है, राइट साइड पे जब आप जाते हैं तो पार्क यू सोसाइटी से होती हुई ये रोड चकसेजाद की तरफ जा रही है। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये मेन शाइन फार्म की एंट्रेंस के करीब एक खूबसूरत प्रोजेक्ट आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये मेन गली है और ये शुरू में जब आप अंदर आते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर जब आप मुड़ते हैं तो दोस्तों बिल्कुल इसके करीब ही न्यू एक्सटेंशन में एक अच्छा प्लॉट आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो मुनासिब कीमत में आपको मिल सकता है। और इसके लेफ्ट राइट पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्म हाउसेस के ये प्लॉट थे, अब यहाँ पे छोटे जो घर है छोटे प्लॉटों की इजाजत मिल चुकी है। तो इस सोसाइटी में दोस्तों तमाम तर जो सहूलियात है मौजूद है, जिसमें बिजली भी है, सुई गैस भी है, इसके अलावा सिमली डैम का पानी भी आया हुआ है और यहाँ पे डस्टबिन भी लगे हुए हैं तकरीबन तमाम गलियों में। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब है और ये बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी है। इसकी यही एंट्रेंस है, यहीं से आउट हो सकते हैं। और इस सोसाइटी में आने के लिए दोस्तों मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहता है जो शनाख्त के बगैर आपको अंदर आने की इजाजत नहीं देता। तो ये आप साथ साथ घर भी देख रहे होंगे, ये सुई गैस का मीटर भी लगा हुआ है। तो प्रोजेक्ट की तरफ मैं आपको जल्दी से लेकर जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ प्रॉपर्टी। Thank you for watching Voice of Property. इस वक्त हम प्रोजेक्ट वाली गली में आ चुके हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रीट नंबर 5 है। और ये जो एरिया है दोस्तों ये शाइन फार्म के अंदर आता है, एक्सटेंशन है शाइन फार्म की। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सिमली डैम का पानी भी मौजूद है और ये गली के साइज जो है दोस्तों 25 से 30 फीट की बड़ी गलियां है। और मेरे राइट साइड पे ये इन्होंने प्लॉटिंग की थी 10 मरले की। अब मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगा और यहाँ के सबसे जो छोटे प्लॉट है वो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें एक फॉर सेल के लिए आया हुआ है। तो ये नीचे वाली गली में हम जा रहे हैं, बहुत जल्द ये गली भी पक्की हो जाएगी। यहाँ पे भी काम लगा हुआ है, मुख्तलिफ साइज के यहाँ पे घर भी बन रहे हैं, साथ साथ मैं आपको घर भी दिखा रहा हूँ। तो नीचे वाली गली में भी मैं अब आ चुका हूँ और नीचे वाली गली में दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा बिजली मौजूद है, यहाँ पे सिमली डैम का पानी मौजूद है और चंद घर यहाँ पे न्यू बन भी रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा डस्टबिन भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब मैं ये ट्रैक्टर के साथ पीछे होता हुआ मैं आपको गली में ले जाता हूँ। तो ये हम गली में आ चुके हैं दोस्तों और इसमें आप देख सकते हैं ढांचा घर बने हुए हैं, इस घर में भी फैमिली रिहाइश पजीर है। तो प्रोजेक्ट पे हम आ चुके हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर लिया करें। तो प्रोजेक्ट दोस्तों ये प्लॉट है और इसका फ्रंट आप देख सकते हैं, बड़े साइज का फ्रंट है इसका और इसकी ये दीवार लगी हुई है, यहाँ से इसका फ्रंट शुरू होता है और ये कम्बे तक इसका फ्रंट जा रहा है। और इसके बिल्कुल साथ ही ये आपको नजर आ रहा होगा प्लॉट के अंदर ही तकरीबन इसके फ्रंट पे ये सिमली डैम का पानी भी लगा हुआ है। तो ये प्लॉट है दोस्तों, ये सारा इसका फ्रंट है और इसकी बैक भी मैं आपको दिखाता चलूं। बैक पे इसका जो है वो बरसाती नाला है यानी ओपन है और इसमें दोस्तों आप बैक ओपन भी छोड़ सकते हो, वेंटिलेशन वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे ये साइड वाली दीवारें भी लगी हुई है। तो ये हम बैक साइड पे आ चुके हैं और इसकी बैक साइड पे दोस्तों ये बरसाती नाला था जो अब खत्म हो चुका है, साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये घर भी इसी टाइप का बना हुआ है, बैक पे भी इन्होंने ओपन जो एरिया है वो छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके जो मालकान डिमांड कर रहे हैं वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। इसके अलावा रब्ता करना चाहते हैं स्क्रीन पे मेरे नंबर नजर आ रहे होंगे, आप कॉल करके भी रब्ता कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये प्लॉट जो है दोस्तों ये 9 मरले का प्लॉट है, मालकान इसकी डिमांड कर रहे हैं फी मरला 5 लाख रुपए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।